अपनी माइनक्राफ्ट को डिलीट कर दो। क्या आप भी अपने एंड्रॉइड डिवाइस में माइनक्राफ्ट में शेडर्स लगाना चाहते हो लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा शेडर्स वर्क क्यों नहीं कर रहे या फिर कौन सा शेडर आपके माइनक्राफ्ट के लिए बेस्ट है? तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू गेट शेडर्स इन योर माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। मैंने स्टार्टिंग में ऐसा क्यों कहा कि अपनी माइनक्राफ्ट को डिलीट कर दो, क्योंकि देखो अगर आप पीसी के अंदर ना माइनक्राफ्ट शेडर्स का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लोगे तो वो माइनक्राफ्ट के सभी वर्जन में वर्क करेगा, लेकिन पॉकेट एडिशन में ऐसा नहीं है। पॉकेट एडिशन में जो सा आपका माइनक्राफ्ट का वर्जन होगा ना, शेडर का भी वही वर्जन होना चाहिए, तभी आपके माइनक्राफ्ट में शेडर वर्क करेंगे। अगर आप अपनी माइनक्राफ्ट की मेन मेन्यू स्क्रीन पे राइट साइड नीचे कॉर्नर पे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी माइनक्राफ्ट का कौन सा वर्जन है, और अगर शेडर्स का यही वर्जन होगा फिर आपके वर्ल्ड में शेडर्स वर्क करेंगे, वरना आपका वर्ल्ड वैसे नॉर्मल सा दिखेगा। लेकिन अब पता कैसे लगाएं कि क्या हमारे शेडर्स का भी सेम वर्जन है? तो चलो मैं आपको बताता हूं। आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है एडन्स फॉर माइनक्राफ्ट। इसमें आपको माइनक्राफ्ट के बहुत सारे मोड्स मिल जाएंगे, लेकिन जब आप सर्च के ऑप्शन पे जाके यहां पे शेडर्स सर्च करोगे ना, आपके सामने दुनिया भर के शेडर्स आ जाएंगे। अगर आप ऊपर ये फिल्टर वाली ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे मोस्ट डाउनलोड या फिर मोस्ट रेटेड पे क्लिक कर दोगे तो आपको ना सारे फेमस वाले शेडर्स आ जाएंगे जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक और बेस्ट होते हैं, लेकिन वो साथ के साथ पुराने वर्जन के लिए भी होते हैं। तो यहाँ पे ना अगर आप लेटेस्ट वर्जन के अंदर शेडर्स चेक करोगे तो आपको बहुत सारे शेडर्स मिल जाएंगे। अब जो भी शेडर आपको पसंद आए उसको क्लिक करो और ऊपर ना राइट साइड यहाँ पे देखो आपको इन शेडर्स का वर्जन मिल जाएगा कि ये शेडर किस वर्जन करते हैं। तो ऐसे में अब आपको ना मैच करना है। माइनक्राफ्ट के मेन्यू में वर्जन लिखा आ रहा था वो वर्जन यहाँ पे सेम टू सेम बिल्कुल मैच करना चाहिए। अगर आपके पास वो वर्जन नहीं है तो अपनी माइनक्राफ्ट को डिलीट कर दो और वो वाला सेम टू सेम वर्जन डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे देखो अब आपको ना इन शेडर्स को इंस्टॉल करना है, उसके लिए यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर दो। जब ये इंस्टॉल हो जाए उसके बाद इसको ऐसे इंस्टॉल पे क्लिक करो और आपकी माइनक्राफ्ट ओपन हो जाएगी। फिर जो भी आपका वर्ल्ड है ना उसको एडिट करो। यहाँ पे लेफ्ट साइड देखो रिसोर्स का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके ना यहाँ से माई पैक्स में अपने शेडर्स को एक्टिवेट कर दो और बूम आपके वर्ल्ड के अंदर आपके शेडर्स लग जाएंगे। अब आप ऐसे करके ना अपने कोई भी शेडर्स लगा सकते हो, बस आपने माइनक्राफ्ट का वही वर्जन डाउनलोड कर लेना है। जाके अपने माइनक्राफ्ट के अंदर सुंदर सुंदर शेडर्स लगाओ और मेरे लिए एक सब्सक्राइब का बटन भी दबा दो।